आज हम भारत के सुपर जासूस अजीत डोभाल के संबंध में बात करने वाले हैं, क्योंकि अजीत डोभाल पहले जासूस थे और वो 7 वर्ष पाकिस्तान में रहे थे। इस संसार में आज ही नहीं, बहुत पहले से ही एक आवश्यक कार्य होता रहा है, जो कि आपने राज्य को बचाने के लिए गुप्तचरों का सहारा लेते थे। जैसा कि आप अवगत होंगे कि पहले के समय में ऐसे कई गुप्तचरों के योगदान का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया था, वही प्रक्रिया आज भी है, बस उसका नजरिया कुछ बदल गया है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल पाकिस्तान में मुसलमान बनकर पूरे 7 वर्षों तक रहे थे। जानकारी के मुताबिक अजीत भारत के सुपर जासूस थे और अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी हैं। मोदी उनसे हर मसले पर विचार विमर्श कर सलाह करते हैं। अजीत डोभाल पहले जासूस थे और वो 7 वर्ष पाकिस्तान में मुसलमान के भेष में रहकर कई महत्वपूर्ण जानकारी भारत को दी है। एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने अजीत डोभाल से पूछ लिया कि आप इतने वर्ष पाकिस्तान में रहे, क्या कभी आपके सामने कोई धर्म संकट की घड़ी आई या आप कभी पकड़े गए हो? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा कि आपका भेद खुल गया हो या ऐसी कोई भी घटना हुई हो। इस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में देखिए अजीत डोभाल ने क्या बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपरोक्त सवाल के जवाब में अजीत डोभाल ने बताया कि लाहौर की एक मस्जिद से जब वो बाहर निकले तो सफेद दाढ़ी वाला एक शख्स उन्हें मिला। उस शख्स ने उन्हें अपने पास बुलाया और उसने कहा कि तुम हिंदू हो। उसके पश्चात वो शख्स एक कमरे में लेकर गया। उसने बताया कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, ऐसे घूमना ठीक नहीं है। फिर उस शख्स ने अजीत डोभाल को बताया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। उस शख्स ने अजीत डोभाल को बताया कि उसके पूरे परिवार को मुसलमानों ने मार दिया, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर इनके बीच रह रहा है। उस शख्स ने अजीत डोभाल को भगवान शिव और दुर्गा की छोटी मूर्ति भी दिखाई और कहा कि मैं इनकी पूजा करता हूँ। अजीत डोभाल 7 वर्ष पाकिस्तान में रहे, उन्हें वहाँ कोई नहीं पहचान पाया, बस एक हिंदू ने उन्हें पहचाना था और ये बात अजीत डोभाल ने स्वयं ही बताई।